यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, अभी तक हमने ये देखा कि क्रूस पर यीशु मसीह ने पिता ईश्वर और हमारे प्रति अपना प्यार दर्शाया और इस प्यार के खातिर ही उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए त्यागा और उनका जीवन पूरी तरह से पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला जीवन था और इस आज्ञा पालन द्वारा वे पिता ईश्वर के प्रति अपना संपूर्ण प्रेम जताते थे। और दूसरी बात हमने ये देखी कि उन्होंने हम सबसे बहुत प्रेम किया, किसी से भी उन्होंने अपने मन में बैर नहीं रखा और उनकी हत्या करने वाले उन्हें निरपराधी होते हुए भी, निष्कलंक होते हुए भी, उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वाले लोगों के लिए भी वे पिता ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता ईश्वर, उन्हें कोई दंड नहीं देना, वे जो भी कर रहे हैं अनजाने में कर रहे हैं उन्हें माफ कर देना। और तीसरी बात हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद यीशु मसीह अपने आप को पिता ईश्वर के हाथों में समर्पित कर रहे हैं, पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं अपने जीवन के अंतिम क्षण में। लूकस के सुसमाचार 23वें अध्याय 46वें वाक्य में हम ये देखते हैं कि हे पिता ईश्वर, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। उनका जीवन हमेशा पिता ईश्वर से जुड़ा हुआ है, हमेशा पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, पिता ईश्वर से प्रेम करना, उनके प्रेम को स्वीकार करना। पिता ईश्वर से हमेशा वो एक हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षण में यीशु मसीह अपने आप को पूरी तरह से पिता के हाथों में समर्पित कर रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूं। वो हमें ये सिखा रहे हैं कि विश्वास क्या है, पूर्ण समर्पण क्या है और हमें अपनी मृत्यु को किस प्रकार से देखना है। हमारी मृत्यु का क्षण भी इसी प्रकार होना चाहिए और ये हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति है, हमारे विश्वास को दर्शाता है कि मैं अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरी आत्मा को संभालेंगे, वे नित्य जीवन प्रदान करेंगे। इसे ही विश्वास कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी हमें जो जो सिखाया, अपने जीवन में जो कुछ सिखाया उस सबको संक्षिप्त रूप में हम वहां पर देख सकते हैं और इन्हीं सारी बातों का अनुसरण हम भी अपने जीवन में करें, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए क्योंकि चर्च के सबसे पहले शहीद यानी कि मार्टर सेंट स्टीफन, उन्होंने भी हम देखते हैं कि प्रेरित चरित ग्रंथ में 7वें अध्याय में 55 से लेकर अंत तक के हर वाक्यों में हम देखते हैं कि सेंट स्टीफन बिल्कुल यीशु मसीह की तरह ही अपनी मृत्यु का सामना कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं इन्हें इसका दंड ना देना, इन्हें माफ करना, क्योंकि वो स्टीफन को पत्थर फेंक कर मार रहे थे। तब उन्होंने प्रभु से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु उन्हें क्षमा करना। और अंत में सेंट स्टीफन भी ये बोलते हैं कि हे यीशु, मेरी आत्मा को मैं आपके हाथों समर्पित करता हूं, इसे स्वीकार कर। प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र सप्ताह में हम यीशु मसीह के खासकर जीवन के अंतिम क्षणों पर हमेशा ध्यान करें कि किस प्रकार उन्होंने अपनी कुर्बानी से हमारे प्रति अपना प्रेम दर्शाया है। हम भी उसी प्रेम का, उनके जीवन का अनुसरण अपने जीवन में करें, ऐसी कोशिश हम करें अपने जीवन में, तभी हम यथार्थ रूप से क्रिश्चियन बनेंगे। क्योंकि क्रिश्चियन वही है जिसके दिल, जहन और मन में यीशु मसीह है। उसे देखने वाले, क्रिश्चियन को देखने वालों को यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हर क्रिश्चियन की आंखों में यीशु मसीह का वही प्यार
दूसरों को दिखना चाहिए। हर क्रिश्चियन के कान दूसरों के दर्दों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहने चाहिए। हर क्रिश्चियन के दिल में यीशु मसीह की तरह दूसरों के प्रति करुणा, दया और प्रेम का भाव होना चाहिए। किसी के प्रति भी बैर नहीं होना चाहिए। हर क्रिश्चियन के हाथ दूसरों की मदद करने के लिए यीशु मसीह की तरह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। हर क्रिश्चियन के पैर ऐसी जगहों पर जाने चाहिए जहाँ की यीशु मसीह जाना चाहता है, पीड़ितों के घर, उन्हें दिलासा देने के लिए। ऐसे लोग जिन्हें कोई कोई भी नहीं है जिनके जीवन में, जो कि बेसहारे हैं, उनके जीवन में सहारा बनने के लिए हर क्रिश्चियन के पैर यीशु मसीह की तरह आगे बढ़ने चाहिए। तो क्रिश्चियन वही है जो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के जीवन को और मृत्यु के अंतिम क्षण में भी जो कुछ भी उन्होंने हमें सिखाया है, हर क्रिश्चियन को उसका अनुसरण अपने जीवन में करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और इस पवित्र सप्ताह में पवित्र आत्मा हमें इसकी कृपा प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको इस पवित्र सप्ताह में प्रभु का हर अनुग्रह प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।